पे जो ये जो रामेश्वर धाम जो है स्थान है, ये त्रिवेणी संगम है, चंबल बनास और शिपी नदी का मिलन। महाराज का ऐसा आदेश हुआ, बोले तुम जाकर के खंडार रामेश्वर धाम में मेरी 1101 आसन पे रामायण करवाओ। तो हमने उन लोगों को बता दिया, उन लोगों को बताया तो जिन लोगों ने सुना वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा खुश भी हुआ। जो राम भगत थे वो खुश हुए, बोले साहब हम बिल्कुल तन मन से तैयार हैं, आप आओ और यहाँ पे ये कार्यक्रम बड़े प्रेम से संपन्न करेंगे। कार्यक्रम की डेट फिक्स की उन्होंने, मतलब सारा सोच विचार करके, तो हमने मई के महीने में 17, 18, 19 मई का कार्यक्रम तय कर लिया। उन 3 दिन के अंदर हमारा 24 घंटे का तो जो अखंड रामायण का जो 1101 आसन पे कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद में गीता पाठ होंगे। और हमारा लक्ष्य तो 1101 आसन का रामायण का है, 1101 आसन ही गीता पाठ का है। उसके अनुरूप जो जो हमें करना चाहिए, जो जो व्यवस्था, जो जो हमें जिन जिन चीज़ की आवश्यकता होगी, उसकी तैयारी हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं।